हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हीरो नेटवर्क्स पर। और आप सभी का स्वागत है सुपर न्यूज़ के 40 एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बहुत सी अमेजिंग और इस हफ्ते की सारी अपडेट सुपर न्यूज़ को लेकर। तो क्या है वो सारी डिटेल, आइए जानते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। अब बस एक छोटे से इंट्रो के बाद इस वीडियो को शुरू किया जाए। आज का एपिसोड शुरू करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ। तो रिसेंटली ही इनका 4th अप्रैल को बर्थडे आया था और ये 57 के हो चुके हैं। तो विश यू मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे। मुझे पता है मैं लेट हूँ, पता है मुझे। और अपडेट ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये बात नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि शॉर्लॉक होम की मूवीज में शॉर्लॉक होम का रोल प्ले कर कोई और नहीं बल्कि हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले करते हैं। तो अपडेट ये है कि अब फाइनली HBO मैक्स ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर से कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है शॉर्लॉक होम की फिल्म सीरीज का। अब देखते हैं इस फिल्म सीरीज में वो क्या नया दिखाते हैं। वेल, शॉर्लॉक होम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हेनरी कैविल, बेनेडिक्ट कम्बरबैच और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया है। तो आप सभी ने स्पाइडरमैन नो वे होम तो देख ही ली होगी। अब मुझे पता है कि अब ये अपडेट थोड़ा सा पुरानी फिल्म का है, बट हाँ अपडेट ताज़ा ताज़ा है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को वो मैजिक सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगा था और वही मैजिक नेड बस यूं ही चुटकियाँ बजाते हुए कर जाता है। तो फाइनली इसका स्पेसिफिक आंसर, साइंटिफिक आंसर मिल चुका है, जो कि है अमेरिका शैवेज से रिलेटेड। तो अमेरिका शैवेज मार्वल कॉमिक्स की एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके पास स्टार शेप में पोर्टल खुलने की शक्तियाँ होती है और वो अब आने वाले मार्वल की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में फाइनली उसका फर्स्ट अपीयरेंस होने वाला है। बट न्यूज ये है कि इससे पहले उसका अपीयरेंस स्पाइडरमैन नो वे होम में होने वाला था। और जी हाँ, ये यहां पर मदद करती स्पाइडरमैन, यानी कि जो तीन स्पाइडरमैन थे उन तीनों की मदद करती पोर्टल्स खोलने में, जिसकी वजह से वो विलन्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर जाते। बट प्लान्स में चेंजेस हो गए और हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में अमेरिका सैवेज का जो रोल था वो दे दिया गया नेड को। अब मेरे हिसाब से ये आइडिया अच्छा तो था, बट और ज्यादा अमेजिंग होता अगर अमेरिका सैवेज आती तो। बट ठीक है, कोई बात नहीं। मार्वल स्टूडियोज के अंदर ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उन्हीं में से एक है डॉक्टर स्ट्रेंज 2। बट इसको लेके अभी कोई अच्छी खास खबर नहीं आई है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज ये निकल कर आई कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म से 20 या फिर 21 मिनट के सीन्स कट आउट कर दिए गए हैं। जी हाँ, यानी कि मार्वल स्टूडियोज की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में हमें 20 से 22 मिनट कम दिखाए जाएंगे, यानी कि मूवी का रन टाइम हो जाता है 2 आवर्स 28 मिनट्स। देखो, एक बैड न्यूज़ है एनिमेशन इंडस्ट्री को लेकर। अब देखो, एक क्रिएटर थे जो बहुत ज़्यादा फेम्ड थे, जिन्होंने डोरेमोन, निंजा हथौड़ी जैसे कैरेक्टर्स बनाए थे। उन्होंने वैसे सीरीज बनाई एनिमेशन की जिनका नाम था फुजिको फुजियो। तो अब देखो, ये जापानीज आर्टिस्ट, मांगा आर्टिस्ट थे जिनका डेथ हो गया है। और जी हाँ, ये 88 ईयर्स के थे और एक्चुअली टोक्यो के आसपास रहा करते थे और इनका एक्चुअल नेम मोटो अबिको है। तो रेस्ट इन पीस मोटो अबिको। रिसेंटली ही 10 दिन हो चुके हैं मॉबियस फिल्म को रिलीज होकर। अब जब ये एपिसोड रिलीज रिकॉर्ड हो रहा है तब तो 10 दिन हो ही चुके हैं। और रिसेंटली ही सोनी पिक्चर्स फिल्म ने स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ कैरेक्टर माइकल मोरबियस पे ऑफिशियल एक फिल्म बनाई और ये फिल्म मेरे हिसाब से लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका ऑडियंस स्कोर सिर्फ 17% है रोटेन टमेटोज पर। और हाँ, अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसने $100 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार स्पाइडरमैन जो 2002 में आई थी उसने भी ऐसे ही किया। तो हाँ, अब $100 मिलियन भी कोई बुरा कलेक्शन नहीं है और मेरे हिसाब से सोनी को इसका सेकेंड पार्ट बनाना चाहिए एक सेंसेबल स्टोरी के साथ। और मेरे हिसाब से जो हाल इस मॉर्बियस फिल्म का हुआ है, भगवान न करे कि वो इसका सेकेंड फिल्म के साथ हो जाए। मैं चाहूंगा कि सेकेंड पार्ट बने और अच्छे से बनाया जाए। वहीं मॉर्बियस फिल्म के डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोसा का इंटरव्यू किया गया था, तो वहीं पर उन्होंने ये बताया कि यार देखो, उनको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दी गई थी इस फिल्म को क्रिएट करने के लिए। और हाँ, स्टूडियोज ने अपनी बहुत ज्यादा चलाई है इस फिल्म के अंदर, जो मेरे हिसाब से गलत बात है। बट यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है आपका।
और आपको क्या लगता है कि क्या ये डायरेक्टर अच्छी मूवी, क्या डायरेक्टर्स को अपनी मूवी बनाने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम मिलना चाहिए या नहीं? वहीं पर डैनियल ने ये भी बताया कि आने वाले टाइम पे वो चाहते हैं कि हमारे ग्रीन गॉब्लिन और मॉर्बियस का एक टीम अप हो, जैसे कि छोटा मोटा एक छोटा सा टीम। और हाँ, मार्वल फैन समझ चुके होंगे कि यहाँ पे कौन से टीम की बात चल रही है, दी सिनिस्टर सिक्स। अब सोनी पिक्चर्स वाले भी काफ़ी टाइम से दी सिनिस्टर सिक्स को बड़े पर्दे पर लाने की सोच रहे हैं, बट वो अभी तक पॉसिबली नहीं हो पाया। बट उम्मीद करते हैं कि सिनिस्टर सिक्स जल्द ही सिनेमाघरों में देखने को मिले। तो अब बात करते हैं दी बैटमैन फिल्म की। जी नहीं, रॉबर्ट पैटिसन वाले दी बैटमैन फिल्म की नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेन अफ्लिक के दी बैटमैन फिल्म की। तो हाँ, अब स्टूडियो रॉबर्ट पैटिसन से पहले इनकी बैटमैन फिल्म बनाना चाहता था, और एक एनिमेटर ने जो कि इस फिल्म पे काम कर रहे थे बेन अफ्लिक की बैटमैन फिल्म पे, तो उन्होंने एक एनिमेटेड ऐसा छोटा सा सीक्वेंस रिलीज़ किया जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डेथस्ट्रोक और बेन अफ्लिक का बैटमैन धड़ाधड़ फाइट करते हुए नज़र आ रहे थे स्क्रीन पे। तो अब बात करते हैं लोकी के सीजन 2 के बारे में। जी हाँ, अब और एक अपडेट आई है लोकी के सीजन 2 से। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक रूमर था कि लोकी का कैरेक्टर हमें शायद थॉर 4 में देखने को मिल सकता है। तो अब रूमर के साथ ये भी रूमर आया है कि अब लोकी सीजन 2 भी काफ़ी जल्द शूटिंग शुरू हो जाएगी इसकी, और इसके बहुत सारे एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स में रिटर्न करेंगे, और हाँ, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी इस सीरीज में आगे जाके जुड़ने वाले हैं। तो अब सीजन 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो? तो यार, अब आगे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड कुछ पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जो कि इसके प्रोमोशंस के लिए यूज़ किए गए हैं। तो अभी स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो, और भी देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर विजिट करें। आगे अपडेट है हमारे आकिब ठाकुर सर को लेके। तो जैसा कि मैंने आपको एक सुपर न्यूज़ के एपिसोड में बताया था कि एक शॉर्ट फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला था अनसुनी, बट अब रिसेंटली ही इन्होंने उस फिल्म का फर्स्ट लुक टीज़र रिलीज कर दिया, या फिर कह लो अनाउंसमेंट वीडियो, और उसमें उन्होंने इस फिल्म का नाम चेंज करके थर्ड फ्लोर रख दिया गया है। और हाँ, आकिब सर के साथ मेरा एक इंटरव्यू भी मिल जाएगा, मतलब वो इंटरव्यू मैंने चैनल पर अपलोड कर तो दिया है, यानी कि अपलोडिंग के लिए डाल दिया है। जब तक आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे होगे तब तक आ चुका होगा। तो हाँ, इस वीडियो के बाद उस इंटरव्यू वाले वीडियो को भी जरूर देखें। अब बात करते हैं कुछ DMC कॉमिक्स के बारे में, यानी कि डार्क मैजिक क्रिएशन के कुछ कॉमिक बुक्स के बारे में। तो यार, यहाँ पे इस वीक 2 बुक्स को रिलीज कर दिया गया, और इस दोनों बुक सीरीज का नाम है मैग्नीफायर, और इसके पार्ट 1 को फाइनली YouTube चैनल पे भी रिलीज किया गया, जिसका नाम मैग्नीफायर इंडियन कॉमिक्स न्यू सुपर हीरो कॉमिक का नाम का टाइटल दिया गया। और हाँ, इसका पार्ट 1 8 अप्रैल 2022 को आया था, और इसका पार्ट 2 9 अप्रैल 2022 को आया है। अब हाँ, मुझे मालूम है कुछ लोग कहेंगे कि यार हम देख कैसे सकते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से जाके देखो। यार, अब कॉमिक बुक्स की बात कर ही रहे हैं तो मार्वल कॉमिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली ही पनिशर के डिज़ाइन में काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी कि जो उसका स्कल का लोगो है अब उसको बड़े बड़े सीन दे दिए गए हैं। वेल, ये चेंज आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यार, मुझे तो सही लग रहा है। यार, पिछले हफ्ते एक मूवी रिलीज कर दी गई जिसका नाम था फैंटास्टिक बीस्ट सीक्रेट ऑफ डंबलडोर। वेल, ये फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की तीसरी मूवी है, और ये हैरी पॉटर फिल्म फ्रेंचाइज की प्रीक्वल सीरीज है। तो इसी से रिलेटेड एक रूमर है, और रिसेंटली ही दी लॉस्ट सिटी का भी प्रीमियर किया गया था। तो बहुत सारे रिपोर्टर्स ने डैनियल रेडक्लिफ को पूछा है कि क्या वो हैरी पॉटर के रोल में रिटर्न करेंगे। यार, इस पे उन्होंने बोला है कि हैरी पॉटर हर किसी का लवेबल कैरेक्टर है, और वो भी हैरी पॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है उस कैरेक्टर में रिटर्न करे। और यार, मेरे हिसाब से ठीक ही है, और उन्होंने कहा कि वो चाहकर भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो यार, अब बात कर लेते हैं थोड़ी मून नाइट की। तो जैसा कि हम सभी को बताया कि इसके सेकंड और थर्ड एपिसोड को फाइनली रिलीज कर दिया है इस हफ्ते के वेडनेसडे को और पिछले हफ्ते के वेडनेसडे को। तो वहीं पर एपिसोड 2 में हमें मिस्टर नाइट का कैरेक्टर देखने को मिला, जो कि मार्क स्पेक्ट्रम का कैरेक्टर है। और हाँ, वाकई में मिस्टर नाइट का जो सूट था वो काफ़ी कमाल का था। आपने एपिसोड देखा या नहीं बताना कमेंट्स में, और अपने फीलिंग्स भी बताना कमेंट्स के। थॉर लव एंड थंडर, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जुलाई में फिल्म रिलीज होने वाली है, और अभी तक इस फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, और मेरे हिसाब से यह दूसरी ऐसी मार्वल की फिल्म होगी जो इतने नजदीक है रिलीजिंग डेट पर, अभी तक इसका कुछ भी रिवील या फर्स्ट लुक नहीं आया है।
वेल यहाँ पे इससे पहले नोवे होम थी जिसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसे यूज किया गया था, बट वहीं पर गौर दी गौर बुचर का एक हॉट प्राइस एक लीक आया है सामने जो कि आप देख ही सकते हो। और यार मेरे को तो सही लग रहा है क्रिश्चियन बेल इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। आगे एक फैन थियरी है थॉर लव एंड थंडर को लेके। तो अब इस रूमर में ये बताया जा रहा है कि हमारे जो क्रिश्चियन बेल का जो कैरेक्टर है गॉड दी गौर बुचर, अब ये हमें शायद मून नाइट सीरीज के जो खोंशु गॉड है उनसे भी लड़ते हुए नजर आएंगे। अब मेरे हिसाब से अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो काफी ज्यादा सही हो जाएगा, बट ये फिर भी एक फैन थियरी है। करते हैं YouTube की, तो यार सुपर हीरो कम्युनिटी के सबसे बड़े चैनल सुपर ने फाइनली Instagram पे थॉर लव एंड थंडर के कुछ फोटोज अपलोड किए स्टोरी के माध्यम से, और वाकई में ये सारे फर्स्ट लुक काफी कमाल के थे। और हाँ अमन भाई, आई लव योर वर्क, आपकी वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए आप वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर हो और मैं चाहूंगा कि आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहो। आपके थॉट्स क्या कमेंट्स में बताना। जो अब आप स्क्रीन पे जिस बंदे को देख रहे हो इनका नाम है वाली अली और ये काफ़ी अच्छे क्रिएटर हैं मेरी ही तरह, और यूट्यूब पे इनका भी चैनल है। बट न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ ये है कि अब इनका जो चैनल है कॉमिक ट्रिक्स, अब इसका एक शॉर्ट चैनल भी आ चुका है जिनका नाम है कॉमिक ट्रिक्स शॉर्ट्स। वेल अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हर रोज़ नया नया कॉन्टेंट अपलोड करके हम सभी को सरप्राइज कर रहे हैं। तो वाली भाई आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, आप कितने हो कमेंट्स में बताओ। बात करते हैं कुछ एक्वामैन के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एक्वामैन हमें अगले साल ही देखने को मिलने वाली है, तो इसी पे और एक अपडेट आया है कि डीसी वाले और वार्नर ब्रदर्स अब एक्वा लेड नाम के कैरेक्टर पे एक स्पिन ऑफ टीवी शो बनाने वाले हैं। वहीं पर स्पाइडरमैन यूनिवर्स की बात करें तो सैम रैमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं स्पाइडरमैन 4 को बनाने के लिए। और हाँ मार्क वेब से अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की भी बात चल रही है। देखो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको पता ही चली गया होगा कि ब्रह्मास्त्र के 3 इंटरनेशनल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में, और हाँ ये तीनों ही साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है। और हाँ ब्रह्मास्त्र भी बहुत जल्दी सितंबर में रिलीज होने वाली है, तो इसका सेकंड ट्रेलर भी बहुत जल्द आएगा। तो गाइज ये था सुपर न्यूज़ का 40 एपिसोड जिसमें हमने इस हफ्ते की सारी बड़ी और अच्छी अच्छी खबरों की बात करी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर आया है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उस पुराने सुपर न्यूज़ के एपिसोड्स भी आपको एंड स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 13 से नहीं होने वाला।